तो 40,000 से ऊपर जीतेगा सोमवीर। हमें जरूरत है बीजेपी को सबक सिखाने की, और वो मात्र रास्ता एक ही है, कांग्रेस और सोमवीर सिंह। सातों की सातों सीट बयानी दादरी की चौधरी बंशीलाल की जोड़ी में भारी बहुमत से डाल दी थी। सोमवीर सिंह चौधरी बंशीलाल के वारिश के बड़े हिस्सेदार हैं, अच्छे आदमी हैं, नरम हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं। कि झोझू का गांव 36 बिरादरी के लोग भारी बहुमत में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थक हैं, और चौधरी सोमवीर सिंह के साथ इनको भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। सभी लोगों का संकल्प है कि हम भारी बहुमत से जिताकर सोमवीर को भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा, और फिलहाल हम बाढड़ा में बैठे हैं और बाढड़ा के झोझू में बैठे हैं। बाढड़ा का चुनाव जिस तरीके से चर्चाओं में आया टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के, उसके बाद लोगों में भी चर्चाएं, और उसके बाद बहुत सारी कहानियां किस्से शुरू हो गए। पहले शुरुआत हुई कि ये बाहरी हैं, और फिर लोगों ने उनको कहना शुरू किया कि ये भारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी दोस्ती हुड्डा साहब से, सोमवीर सिंह श्योरण की, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ रहे हैं पार्टी में, आप पद और कद देख सकते हैं उनका। तो फिलहाल मैं पूर्व में सरपंच रहे हैं मेरे साथ गांधी जी, और इनको गांधी के नाम से ही जाना जाता, पूरा नाम अक्सर लोग जानते नहीं होंगे आपका। हाँ भाई, बहुत कम जानते हैं। पूर्व सरपंच आप कई बार रहे हैं? हाँ, 4 दफा रहे भाई साहब। अच्छा, और आपने चुनाव भी लड़ा है? हाँ, चुनाव भी लड़ा भाई साहब। तो यहाँ पे मैं जब सोमवीर सिंह का प्रोग्राम देखता हूँ तो आप साथ ही होते हैं उनके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टिकटार्थी रहे हैं आप? हाँ भाई साहब, मैं टिकटार्थी था, और मैं टिकटार्थी भी इस इलाके से सबसे मेरिट के हिसाब से ठीक कैंडिडेटों में से था। अच्छा, मैंने चुनाव आपने पहले भी लड़ा था, उसमें पहले भी चुनाव लड़ा था मैंने। अभी मेरी जो इस पंचवर्षीय योजना थी पिछले साल की, इसमें गांव के कुछ बस स्टैंड के, हॉस्पिटल के, शमशान घाटों के काम कुछ ऐसे थे जो वो सिर्फ मेरे से बनते थे। कुछ कानूनी प्रॉब्लम थी, और कुछ वो काम करने का एक ऐसा सिस्टम था जो और दूसरे लोगों से नहीं होते थे, इसलिए मैंने पूरा कंसंट्रेट किया गाँव में। और गाँव के अंदर कोई गली बाकी नहीं, बस स्टैंड, स्कूल, हॉस्पिटल, शमशान घाटों की शानदार सेट वगैरह सारे कर दिए। और मैं जब उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था, तब हुड्डा साहब का पर मेरे पास मैसेज आता था, मेरे जो भी मित्र मिलते थे, कि गांधी आता नहीं, आता नहीं। एक दिन मुझे बुलाया, मैं गया तो हुड्डा साहब से नमस्ते हुई। उसने हुड्डा साहब ने कहा दीपेंद्र आता बैठ। मैं बैठ गया, दीपेंद्र ने बुलाया मुझे, और दीपेंद्र जी ने कहा कि गांधी जी आप एक्टिव हो जाओ। मैंने कहा भाई साहब मैं एक्टिव हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ हो और हम आपके साथ हैं, लेकिन आप एक्टिव हो जाओ, सर्वे से टिकट मिलेगी। तो मैंने कहा भाई साहब सर्वे का तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो अभी सूत नहीं बैठा, लेकिन सर्वे का तो मुझे नॉलेज है ही। तो बोला क्या नॉलेज आपको? मैंने कहा भाई साहब आप जिताओ कैंडिडेट की सर्वे कराओगे? कहते हाँ। तो मैंने कहा भाई साहब मैं 20 साल मेरे गाँव का सरपंच रहा हूँ, अब मेरा भतीजा है, 1,000 वोटों से जीता है, सबसे बड़ा गाँव और हल्के के बीच में गाँव पड़ता है मेरा, और किसी गांव में खड़ा कर दो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कौन है ये। मैंने 77 में झंडा उठाया था विनोद जी, लोकदल का, लोकदल का, और चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी बनी थी उस वक्त। अच्छा, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, हम पढ़ते थे बिहानी, और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर गाँव में आ गया, गाँव में 81 में मैं सरपंच बन गया। उसके बाद लगातार चलते रहे, फिर चौधरी देवलाल के बहुत करीब रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह के बहुत करीब रहा हूँ। अच्छा, गांव आपका बड़ा गांव है, 6-7 हज़ार पर्ची बताई जा रही है गांव में? हाँ भाई साहब, 7,000 के करीब है। अच्छा, तो क्या माहौल है यहाँ पे? मैं माहौल की बात आज आपसे करने आया हूँ। यह भाई साहब कल यहाँ इकट्ठे थे हम लोग, जब दीपेंद्र जी का प्रोग्राम था, गाँव का जिला परिषद का मेम्बर, गाँव के 2 BDC के मेम्बर, मैं एक सरपंच, अब वर्तमान सरपंच, और अभी जो सरपंच दूसरा मुकाबले में था हमारे जो 13 गांव का प्रधान है सूरजबान, वो और सारी पंचायत, सब हम यहाँ पर गांव सब के बीच में हाजिर होकर ये विश्वास दिलाया कि झोझू का गांव 36 बिरादरी के लोग भारी बहुमत में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थक हैं, और चौधरी सोमवीर सिंह के साथ इनको भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। अच्छा, आपने बताया कि टिकट आप भी मांग रहे थे, आप सरीखे 60 लोग टिकट मांग रहे थे बाढड़ा से, लेकिन बाढड़ा में टिकट मिली सोमवीर सिंह श्योरण को, बंसीलाल जी के दामाद हैं और उनका भी एक अलग पहचान है, और शरीफ और ईमानदार आदमी कहे जाते हैं, उनको टिकट मिलने के बाद आप सारे टिकटार्थी उनके पीछे कैसे हो लिए एक को छोड़ के? भाई साहब अगर सही मायने देखो तो शुरुआत मेरे से ही था, और हमारा एक निश्चय था कि आज हमने सरकार बनानी है। स्टेट के लोग बीजेपी के 10 साल के कुशासन से बड़े परेशान हैं। हुड्डा साहब ने जब हमारा इंटरव्यू लिया एक एक का मैन टू मैन, तो मैंने कहा चौधरी साहब अब तो मुझे हुक्म दे दो चुनाव लड़ूं। हुड्डा साहब ने मुझे एक ही बात कहा था
कि भाई गांधी जो भी टिकट मिलेगी वो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन जिसको भी टिकट मिले सबकी मदद करनी है। और भी दूसरे मेरे साथी थे, उनसे भी यही कहा। तो हम सब ने उसी वक्त ये सोच लिया था भी टिकट जिसको भी मिलेगी हम उसके साथ हैं, यहाँ किसी व्यक्ति का रोड़ा नहीं है। आज कुशासन से पंडा छुटाना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और सोमवीर सिंह एक शालीन पढ़े लिखे बहुत अच्छा इंसान है, शरीफ आदमी है, नर्म आदमी है। और बड़ी बात यह भी है कि चौधरी बंशीलाल का दामाद है विनोद जी। सुरेंद्र की डेथ के बाद चौधरी बंशीलाल ने एक वर्कर मीटिंग बुलाई थी दादरी, सारे भैंडी डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, और ये कहा था भाई सुरेंद्र सिंह की डेथ होगी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा पारिवारिक जो रिश्ता रहा तुम्हारे से, तुमने जो मेरे मुझे ताकत दी सारी उम्र, अब ये सोमवीर सिंह और रणबीर महिंद्रा इनकी मैंने जिम्मेवारी लगाई है, ये मेरे बाकी काम पूरे करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे और मैं तुम इनके साथ रहना। तो हमने तो संकल्प ले लिया था, अब ये तो ईश्वर की कृपा थी सोमवीर सिंह यहाँ आ गए। तो ये सोमवीर सिंह चौधरी बंशीलाल के वारिस के बड़े हिस्सेदार हैं, अच्छे आदमी हैं, नरम हैं, पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं, इसलिए वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी विद सोमवीर सिंह। अच्छा एक बात और बता दो, जो बाहरी भारी का टैग था वो बाहरी ही है या भारी होने लगा है? भाई साहब बाहरी की बजाय भारी होने लग गया, हो गया भारी। अच्छा, और यहाँ ये बात नहीं चलती, यहाँ ये इलाका देवीलाल और बंशीलाल के प्रभावित रहा, कब पार्टियों का नहीं रहा। अगर कभी देवीलाल जी के साथ हो गया तो फिर बंशीलाल जी के साथ होगा। चौधरी बंशीलाल जी कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में, और विकास पार्टी बनाई तो सातों की सातों सीट भैणी दादरी की चौधरी बंशीलाल की जोड़ी में भारी बहुमत से डाल दी थी। आज चौधरी बंशीलाल और देवीलाल का वो जो रुतबा नहीं रहा पार्टी का, इसलिए वो जो 80% देवीलाल और बंशीलाल समर्थक इस इलाके के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आस लगाए बैठे, उनसे उम्मीद है। हुड्डा साहब ने यहाँ 1600 करोड़ रुपये माफ़ किया था, हमारा बिजली का बड़ी समस्या बड़ी हुई थी किसानों के लिए, और जो भी किसानों ने बात उठाई हुड्डा साहब ने आराम उनको अच्छे ढंग से सुना और सॉल्व किया। इसलिए आज बंशीलाल जी और देवीलाल जी के जितने भी वोटर समर्थक थे 80% से ज़्यादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ। अच्छा गांधी जी, बड़े गांव के सरपंच आप और कई बार सरपंच चुने गए हो, इस बेल्ट की बात करें झोजू बेल्ट की, यूँ कहा जाता है कि उमेद पातुआ से यहाँ से नज़दीकी हैं, और अगर बात करें यहाँ से सोमवीर सिंह घसोला जो है वो भी नज़दीक के गाँव के ही है, इस बेल्ट को कहा जाता है कि यहाँ कमज़ोर पड़ सकती है कांग्रेस, क्या लगता है आपको, है ऐसा? विनोद जी अभी एजुकेशन का सेंटर है गांव झोजू कला, कभी अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ से हाई स्कूल था, अभी लड़कियों का कॉलेज, 7 स्कूल तो यह प्लस टू के हैं, और बहुत एजुकेशन के यहाँ पर अच्छे लोग हैं, अधिकारी अफसर बहुत हैं, यहाँ बहुत लोगों में जागृति है। और जब हम इनका विश्लेषण करते हैं, ये पातुवास कल तक हमारे साथ धरनों में जाता था, किसानों के साथ बैठता था, वहाँ पर मिठाइयाँ खुवाता था, और सरकार के बीजेपी के खिलाफ बोलता था। आज अचानक बीजेपी की टिकट लेकर आ गया तो लोगों में इस बात का रोष है, किसानों में इस बात का रोष है। आज किसानों ने इकट्ठा होकर झोजू के अंदर सोमवीर सिंह को बुला करके संयुक्त किसान मोर्चा, जो MSP के किसान के लिए संघर्ष करते रहे सारे किसान संगठन, उन्होंने समर्थन किया सोमवीर जी को बुलाकर आज सरेआम झोजू कला के अंदर, और ये कहा भी सारे हम किसान संगठन आपके साथ है, आज हमें ज़रूरत है बीजेपी को सबक सिखाने की, और वो मात्र रास्ता एक ही है, कांग्रेस और सोमवीर सिंह, इसलिए कोई फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा गांधी जी एक बात और लास्ट आपसे जानूंगा, जो लोकसभा का जिस तरीके का माहौल रहा, बाडरा ने जिस तरीके का रिजल्ट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ से और अच्छा खासा विधानसभा में मिल सकता है मैंडेट, क्या वैसा ही रहने वाला है या कमज़ोर पड़ा है कैंडिडेट अलग होने से, या कोई और माहौल अब की बार दिखाई दे रहा है? विनोद जी निश्चित तौर से उससे ज़्यादा हैवी है। राव दान सिंह बाई कास्ट बाई सोशल वह उनकी कोई अटैचमेंट नहीं थी, क्योंकि यह हमारे सामाजिक रिश्ते नाते सब अपने बड़े बरादरी से होते हैं। उन सब के बावजूद यहाँ 27,680 वोटों से जीते थे। सोमवीर सिंह के घर घर में रिश्तेदारियाँ, यहाँ इस इलाके का लोहारू और झज्जर के बीच का जो इलाका है कोई घर बाकी नहीं है जहाँ आपस की रिश्तेदारी नहीं है, तो इसलिए वो सारी कोई बात ही नहीं है। उससे ज़्यादा अगर जब दान सिंह जी यहाँ से इतने बहुमत से जीते थे तो 40,000 से ऊपर जीतेगा सोमवीर। आज मैं आपसे इस बात का ये निवेदन करता हूँ, आप देख लेना, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी असेसमेंट में फेल मानूंगा। वाजी वाह, फिलहाल आपने देखा, ये थे हमारे साथ गांधी जी। और गांधी जी पूरा नाम तो आप बता दीजिए, कौन पूरा नाम?
भाई साहब मेरा नाम दलवीर सिंह है लेकिन मुझे गांधी कहते हैं। अच्छा, ये गांधी आपका नाम कैसे पड़ा? प्यारे भैया, मुझे कथा कहानियों का बड़ा शौक था। पहले जब हम बच्चे थे तो गांव में प्रचार करते थे बजनी उपतिषक, और मैं उनको सबको सुनता था। मेरे पिताजी को बड़ा शौक था, मेरे पिताजी को कई दर्जनों कथा कहानियाँ याद थी, राजा महाराजाओं की, राक्षस देवताओं की। तो मुझे तब से मन में चस्का था ये, और मैं जाता था उनकी कहानी सुनता था। एक बार हमारे चौथी कक्षा में पढ़ता था, राजा पोरुस और सिकंदरी आता था चैप्टर सामाजिक में। तो देवी सिंह जी मेरे गुरुजी थे, मास्टर जी, उन्होंने हमें पहले दिन वो पाठ पढ़ाया। हम एक पैरा एक ने पढ़ा, एक पैरा एक ने पढ़ा, ऐसे पढ़ते थे। फिर वो किताब को रख कर कहानी के रूप में हमें बताते थे, और मुझे वो याद हो जाती थी। मेरा रोल नंबर था 7 चौथी कक्षा में। अच्छा, तो मैं जब उन्होंने कहा कि चलो बताओ, पहले वाले से 2-3 तो लड़के आए नहीं, 2-3 को कहीं नहीं, कान पकड़ा दिए। और मुझे वो याद थी, मैंने वो सुनाना शुरू किया। मैंने चादर खो दी, सर्दी थी कलक्के की, जाट बाजती थी, आज सर्दी नहीं पड़ती उसके मुकाबले में। हमारे पास वस्त्र नहीं थे, हम साधारण से परिवारों के लड़के थे। मेरी माँ ने कहा बेटा चादर खो दी, जड्डा तू वैसे निकाल। अच्छा, ये सजा है। मेरे पिताजी ने कहा कि मर्जिया का बच्चा है, बोले नहीं नहीं तू बिगाड़ता इनको, जो रियल है वो बता देता हूँ। फिर मेरे मैं अगले दिन गया तो सर्दी से ठिर रहा था, मेरे पिताजी ने मुझे अपना कोट पहना दिया, वो कोट मुझे गोडू से नीचे आया। अच्छा। और जब मैं वो पोरुस और सिकंदर की स्टोरी बता रहा था, तो मेरे बराबर में 5वीं कक्षा के विद्यार्थी बैठे थे, क्लास थी, पहले सर्दी में गांव में बैठते थे बाहर। तो उस वक्त उस धर्मचंद मास्टर जी थे जो 5वीं कक्षा के इंचार्ज, उन्होंने टेबल के ऊपर सोटी मारी और कहा कीप साइलेंट बच्चों को, अभी गांधी जी भाषण दे रहे, ध्यान से सुनो। अच्छा। और वो बच्चे सब एकदम कीप साइलेंट हो गए, और वो मास्टर जी ने मुझे शाबाशी दी, बेटा बहुत अच्छा। और मैं जब पेशाब करने के लिए गया बाथरूम में, पीरियड खत्म होते ही, तो एक मेरा साथी था छंगा, उसने जाके मुझे कहा गांधी गांधी। मैंने कहा तो गांधी मत कह मुझे, मुझे चिढ़ हुई। उसने मुझे फिर गांधी कह दिया, मैंने उसको एक मारा थी। उसने आकर मास्टर जी को शिकायत करी, मास्टर जी ने गुस्सा आया कि अभी मैंने इसको शाबाशी दी थी और ये अभी इस बात से थोड़ा सा हो गया। तो उन्होंने मेरा कान पकड़ा, क्यों मारी इसको? मैंने कहा जी गाड़ देता मुझे, यो बोले गाड़ देता। वो मास्टर जी गाड़ से बड़े चिढ़ते थे। उन्होंने कहा तू बेटा गाड़ क्यों देता था इसको? उन्होंने बोला जी माँ की सुमन गाड़ कौन दी, हम माँ की सु, विद्या की सु, गौ माता की सु, तीनों सु कहते थे। तो मास्टर जी को तसल्ली हुई, गाड़ी नहीं दी। उन्होंने कहा बेटा बता क्या गाड़ी दी? मैंने बोला जी गांधी का था। नोला गांधी का था? बोले हाँ। तो मास्टर जी समझ गए बस बच्चा है। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, कहा बेटा गांधी तो बहुत बड़ा आदमी था, और मैं जो मानता हूँ कि भगवान करे तू गांधी बन बेटा, और गांधी के नाम पर तू काम करना, गांधी जैसे काम करना बेटा, आइंदा मत चिढ़ना इस बात से। उसके बाद विनोद जी मुझे किसी दलवीर सिंह नहीं कहा, मैं तो गांधी बन के रह गया। और रियल ये भी है कि गांधी के नाम से मैंने कभी चुनाव चुनाव में हुक्का बीड़ी शुरू कर दिया पीना। लोग मुझे कहते गांधी जी आप हुक्का पीते हो? अच्छा। मैंने वही छोड़ दिया। आज तक शराब अगर हिंदू गऊ की खून पियो तो मैं शराब पीऊँ, मुझे सौगंध है, कोई नशा नहीं करता। आज तक अंडे क्वाथन लगाए मुझे, और इस गांव ने मुझे बार बार सरपंच बनाया। आज भी गांव यूँ कहता है बेटा भाई तू सरपंच रहे, हमने तो सुहावश है। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया, मेरी उम्र 70 साल के करीब गई और तुमने मेरा बहुत जो सम्मान दिया, इज्जत दी, भाई एहसान बंद हूँ और इस गांव की सेवा में निरंतर करता रहूँगा। ये स्टोरी मेरी जी। चलिए, ये थी स्टोरी गांधी जी की, और ये थी स्टोरी बाढ़ा की। आने वाले वक्त में किस तरीके से ये रिजल्ट रहेगा, क्या यहाँ से समीकरण रहेंगे, और चुनावी गणित सबसे ज़्यादा हरियाणा वासी और ख़ास करके बाढ़ा, दादरी और भिवानी के लोग जानते हैं, और रोजाना बैठकें होती हैं, बातें होती हैं। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि बाढ़ा से कौन कितने वोटों से जीत रहा है। इन्होंने दावा किया है कि सोमवीर सिंह चौहान आने वाले वक्त में 40,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा इनका गणित है। इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें। जी जी सर, 25 तारीख को दीपेंद्र जी के प्रोग्राम थे, चिड़िया 2 का धमा, इतना जबरदस्त हजम था विनोद जी, आज तक किसी का भी नहीं हुआ। मैंने 77 की लहर थी उस वक्त, तो बच्चे थे, लेकिन 87 की चौधरी देवलाल की लहर अगुवाई था, मैं यूथ का बहुत अग्रणी लड़कों में से था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता था यूथ का। और 96 में फिर मैंने चौधरी बंशीलाल को ज्वाइन कर लिया था, चौधरी बंशीलाल जी की लहर थी एक तरफी, 7 सीट बिहानी से काफ़ी मार्जिन से जीता था। लेकिन अब जो झूम था 25 तारीख का, वो उन सब से निराला था, बड़े जोश के साथ नौजवान उमड़ रहे थे। अभी 2 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह को डाक रैली बाढ़ा के अंदर, आप देखना सारे रिकॉर्ड बीट करेगी। तो यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का लोगों को नशा है, उम्मीद है। एक तरफा किसान जित का गड्ढा इलाका, कोई शहर नहीं पड़ता,
मेहनत कश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, छोटे दुकानदार काम धंधा करने वाले हैं, सभी लोगों का संकल्प है कि हम भारी बहुमत से आशीष दिलाकर सोमवीर को भेजेंगे, क्योंकि सोमवीर सिंह का कैडर अच्छा है और हमें उम्मीद है कि सोमवीर सिंह MLA के बाद जल्दी फर्स्ट 5 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उनमें से एक होगा। इसी उम्मीद के साथ सारे इलाके के अंदर एक लहर है जी। तो चलिए, फिलहाल ये थी गांधी जी के साथ साथ बाड़ा की चुनाव की स्टोरी। आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।